अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मेरी आज की रेसिपी है कीमे की पूड़ी, और इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बन करके तैयार होती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम गेहूं का आटा और इसे छान लिया है, और यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हमें यहाँ पे इसे गूंद लेना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले हम आटे को मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको पहले मिक्स कर लेना है, और अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। और हमको इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है ताकि पूड़ी जो है सॉफ्ट हो। तो वैसे भी पूड़ी का आटा जो है थोड़ा सा गीला ही होता है, तो जितना ज़्यादा हम इसको गूंदेंगे उतना ही अच्छा आटा तैयार होगा। तो अब यहाँ पे आटा रेडी है, तो चलिए अब कीमे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें मसाला हमें मिक्स करना है, तो यहाँ पे हमने कीमे को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी को निकाल दिया अच्छे से। अब हमें पहले चटनी बना लेनी है, तो यहाँ पे हमने धनिया की पत्ती लिया है और 10 से 12 हरी मिर्च लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 8 से 10 लहसुन की कली, इसको भी ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे, और अब हमें इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। इसको हम पीस लेंगे। अब हम यहाँ पे कीमे में नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून गरम मसाला, 1 लेमन जूस और 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको अच्छे से काट लेंगे। अंडे वाली प्याज होनी चाहिए। और अब हमने जो चटनी बनाया है उसे ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ऐड करिएगा। अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो कम ऐड करिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स, मिक्स करेंगे। धनिया की पत्ती ऐड करेंगे, इसको भी मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे इसे। उसके बाद 1 टीस्पून हम यहाँ पे काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे कीमा भी जो है रेडी है, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब पूड़ी की तरफ। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पहले एक बनाकर चेक कर लिया था, और हमने आटे का छोटा सा पोर्शन लिया है और उसे इस तरह से फैला लिया है। अब हम इसमें कीमा फिल करेंगे, और साइड साइड से इस तरह से उठा करके इसको दबा देंगे। फिर आटे में इसको लपेट करके इस तरह से हम इसे बढ़ाएंगे, और हमें इसको बेलना नहीं होता है। तो थोड़ा सा तेल लगा लगा करके इस तरह से हम फिंगर के थ्रू इसे बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारी पूरियों को बना लेना है। इस तरह से छोटा पोर्शन हम लेंगे आटे का, और आटे में इस तरह से इसको पहले फैला लेंगे। अब बीच में कीमा डालेंगे और इस तरह से साइड से उठा करके इसको दबा देंगे, और अब आटे में डाल करके इसको इस तरह से हम बढ़ा देंगे। कीमे की पूड़ी जो है वो बेली नहीं जाती है, नहीं तो वो फिर फट जाती है। तो इस तरह से तेल लगा लगा करके हाथ से जो है हम इसे बढ़ा लेंगे। अब हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ऑयल को हीट कर लिया था हाई फ्लेम पर। अब हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है, और पहले हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे, क्योंकि कीमा कच्चा है तो इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही कुक करना है। तो यहाँ पे हमने पूड़ियाँ डाल दी हैं, अब हम इसे लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम इसके साइड को चेंज करेंगे, जब ये ऊपर आ जाएगी तो हमें इसे टच नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर आ चुकी है, मतलब दूसरे साइड से कुक हो चुकी है। तो अब हम इसका एक एक करके साइड चेंज करेंगे, और यहाँ पे ब्राउन मार्क आप देख सकते हैं। अगर आपको और भी ब्राउन करना है तो इसे और भी फ्राई कर लेंगे।
और इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी कुक करेंगे। 2 मिनट बाद हम इसके फ्लेम को हाई कर देंगे, मीडियम टू हाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुक हो चुकी है, हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी पूरियों को तैयार कर लेना है, इसी प्रोसेस से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो एकदम ज़बरदस्त और मज़ेदार कीमे की पूरी बन करके रेडी है, और अब हम इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।